एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसका लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन क्या वह उस तक पहुंच पाएगा यह उसे नहीं पता था। सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़कर भिक्षु बनने का फैसला किया। उसने अपनी आत्मा की खोज में सफर किया, परंतु मन का शांत न हो सके। एक दिन एक वन में घूमते हुए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके चेहरे पर सकारात्मकता की चमक थी जिसने सिद्धार्थ को प्रभावित किया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आपका राज्य क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मेरा राज्य है कि मैंने कभी अपने सपनों को हारना नहीं सीखा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा, क्या सच में लक्ष्य प्राप्त करने का राज यही है? उसने बूढ़े आदमी से अलग होकर अपने मन की आवाज सुनी और एक नया लक्ष्य पाया, मन की शांति। उसने अपने आप को एक विरक्त सन्यासी बनाया और वन में वापस चला गया। उसने अपने जीवन में अनंतता और शांति को पाया। उसके प्रश्नों का उत्तर उसने अपने अंदर ही ढूंढ लिया। इस कहानी में सिद्धार्थ का रास्ता अनोखा था, लेकिन उसका लक्ष्य प्राप्त करने का जज्बा और त्याग बना रहे। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता अलग दिखाई देता है, लेकिन अगर हम विश्वास और लगन से उस रास्ते को अपना लें तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।